कुमार लोधी। किस पद पे हैं आप? हम सहायक अभियंता संविदा के पद पर यहाँ इस छतरपुर कार्यालय में मैं पदस्थ हूँ। कल दिनांक 21 मतलब आज रात्रि 12 बजे से छतरपुर जिले के समस्त संविदा और आउटसोर्स के कर्मी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। इसकी सूचना प्रशासन और कंपनी स्तर पर दी जा चुकी है। पूर्व में जो हम लोगों ने मांग करी थी विगत 5 तारीख को, उसमें माननीय ऊर्जा सचिव महोदय के द्वारा उस दिन उस हड़ताल को और कार्य बहिष्कार को स्थगित कराया गया था। चूँकि यहाँ अपने मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीयों का जमावड़ा होना था और सभी जगह से डेलीगेशन आ रहा था, प्रदेश की प्रतिष्ठा को देखते हुए माननीय ऊर्जा सचिव महोदय ने ये घोषणा करी थी कि आप हमें 15 दिन का समय दीजिए, हम आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कराएंगे। चूँकि अभी व्यस्तताएं हैं माननीय मंत्री जी की, इसलिए हम आपकी बातचीत नहीं करा सकते हैं। उसी के तहत के माध्यम से पूरा पत्राचार भी किया है, माननीय से निवेदन किया गया है कि आप हमारी जो भी जायज़ मांगे हैं उनको उनके समक्ष में एक टेबल टॉक के लिए हम लोग को समय और तिथि दीजिए, मगर ऐसा नहीं किया गया उनके द्वारा। तो उसी क्रम में आज 20 तारीख को 15 दिन हमारे पूरे हो रहे हैं। आज मध्य रात्रि 12 बजे से पूरे जिले के संविदा और आउटसोर्स के कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। उसमें कंपनी के थ्रू आप लोग क्या मांगे हैं? मांगे क्या हैं? प्रमुख संविदा और आउटसोर्स की सभी कर्मचारियों की दो मुख्यतः मांगे हैं। जो भी संविदा के हमारे कर्मचारी साथी हैं उनका नियमितीकरण और आउटसोर्स कर्मियों का विभाग में संविलियन, ये दो प्रमुख मांगों के साथ में और भी 5 एजेंडे की मांगे हैं। इसमें 5 संघ हमारे साथ में हैं, विद्युत कर्मचारी कल्याण संघ है, तकनीकी संघ है और बाकी 3 संघ हमारे आउटसोर्स के हैं। सभी के सहायक संयुक्त एक लेटर हेड पे पत्राचार चल रहा है और वो आप मीडिया में भी सर्कुलेट कर दिया जाएगा। आपका क्या जो कांटेक्ट है क्या वो किसी कंपनी की तरह है कि आप नहीं? विभाग के जो जितने भी लोग हैं संविदा कर्मी जो हैं विभाग के, वो मध्य प्रदेश शासन की ही कंपनी के तहत मध्य प्रदेश शासन से ही उनका 3-3 साल में एग्रीमेंट रहता है। हर 3 साल के बाद में पुनः उसको रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करवाना पड़ता है। तो ये सारी मांगे हैं कि जब काम हम लोग बराबर कर रहे हैं, जो जिस पद पर है उसमें संविदा और नियमित कर्मचारी के कोई भी जो कार्य उनको दिए गए हैं या जिम्मेवारियाँ सौंपी गई हैं उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। जब सारे काम हम लोग कर ही रहे हैं तो फिर क्यों ना हम लोग को उन्हीं के बराबर सारी चीज़ें सुविधाएं और उनके समान हमें वेतन भत्ता दिया जाए। अभी जो प्लानिंग है उसके हिसाब से कल से हम लोग कार्य बहिष्कार पे हैं, अनिश्चितकालीन हमारा कार्य बहिष्कार रहेगा जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।